आज के इस कार्य के लिए वो कार्यरत नहीं हो सकते के कारण, लेकिन आज मैं 45 साल से वर्तमान में हमारे देश विदेश में जा प्रतिशत परिणाम न लाइए 35% प्रयागराज में जब आपने कथा आपने बारे में कहा था कि बच्चों को मोबाइल में हम चाहते हैं यहाँ भी एक आपके द्वारा बाबू जी, आप भारत में निरंतर धन प्रवाहना बढ़ती जा रही है। आज आपने अपने सम्मेलन में कहा कि 170 देशों में सिंचाई प्रसारण हो रहा है, तो ये बदलाव आप कैसे इसको किस रूप में देखते हैं भारत में इस बदलाव की? आज भी तो अपने परिवार जनों को मिलने के लिए भी समय नहीं है, सब अपने अपने व्यस्त ये सबसे बड़ा बदलाव है। और फिर भी लोग चाहते कि लाइव सुन रहे, फिर भी कहीं हुआ मैंने लाइव सुनते इससे हमें संतुष्टि नहीं होती, हम पंडाल में कहते हैं इससे हमें ज़्यादा फेस टू फेस आई टू आई जो सबसे विशेष लाइव बात करते हैं। मैं बहुत बदलाव देखता हूँ 35% आपने वाल्मीकि रामायण की चर्चा की, आपने तुलसीदास जी की रामायण, आज आपने एक और रामायण की चर्चा की आदिवासी रामायण। तो ये मैं समझता हूँ शायद ही यहाँ बहुत कम लोग जानते होंगे कि आदिवासी रामायण क्या है। हमारे मऊआ में इसमें साहित्यिक गोष्ठियाँ होती थी मूर्धन्य विद्वान थे, तो उसमें एक बार हमने रामायण टॉपिक रखकर के उस पर कई दिन सारे रखा, इसमें हरेक रामायण का स्वागत तो हमारे देहात में गुजरात के आदिवासी स्थान उसके लोक बोली है, लोक गीत कहाड़ में आदिवासी रामायण, और ऐसी छोटी छोटी आदिवासी रामायण में ऐसे जो वाल्मीकि तुलसी आनंद रामायण अध्यात्म रामायण उत्तर रामचरित्र कालिदास का रघुवंश इन सब में न हो ऐसी देहाती मान्यताओं के आधार पर रामायण इसके ये सब इसलिए तुलसी कहते हैं शतकोटि रामायण, रामायण 100 कोटि है, मतलब हर व्यक्ति का एक रामायण है, हर व्यक्ति का एक राम है, हर व्यक्ति का एक राम है। चैनल ने विरोध भी किया उसमें कि आप भी रहे उसमें, तो क्या उस चीज़ का क्या मानते हैं आप? नहीं नहीं जो रजू कर रहा हूँ पूरा आगे पीछे का काट कर ये बहुत बड़ा अपराध है, मैं कबूल हूँ, मेरे से कोई ऐसा निवेदन हो तो मैं कबूल कर, लेकिन मेरा वक्त भी उसके पहले का 2 मिनट का इस सब ईमानदारी हो तो पूरा प्रसारित करो कि मैंने किस संदर्भ में होता नहीं, तो क्या क्या व्यास पीठ से इस्लाम धर्म की बात करना जायज है? हिंदू धर्म वेद धर्म इस्लाम धर्म सभी का स्वीकार करता है, समन्वय करता है, इसीलिए हम हिंदू हमें तो सनातन और वैदिक परंपरा तो बालक हम सबका स्वीकार, राम ने शबरी को स्वीकार किया, केवट को स्वीकार किया, सूर्य को स्वीकार किया, सबका स्वीकार की कथा
और मीडिया को कुटस्थ, हमारे यहाँ इतने शब्द हैं कुटस्थ, आप तो जानते कूट मानी है लोहार के घर में, तो एरन जिस पर लोहा तपा हुआ दंती तो लोहा आकार लेता है, लेकिन एरन एक इसको कहते जो जो बदला न जाए उसको कुटस्थ, एक मध्यस्थ, इस तट पर भी नहीं इस तट दूध में भी नहीं कहीं में। मैं कहता हूँ मीडिया को सत्यस्थ रहना जी, सत्य हो वो भी करता है, वो कभी आपको ऐसा लगे कि थोड़े 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 कर्कश शब्दों में भी कहना पड़े तो कहना चाहिए, लेकिन सत्य से। महाराज बाबू जी आज वर्तमान समय में दिन दिन और गुरु और विभक्त होना है तो भी प्रेम से होना है, द्वेष से रहना है, जुड़े रहना है तो भी प्रेम से रहना है। महाराज जी सबसे सांसारिक जीवन में रहने के बाद भी आध्यात्म में जाने का सबसे सरल तरीका क्या है? सत्य का आचरण, राम का स्मरण, कपड़े बदलने की जरूरत, सत्य का बापू सत्य का उच्चारण उच्चारण करते हैं जरूर, और राम का मांजा, मांजा, मांजा। राम का सुमिरन मेरा राम बहुत बापू आपकी ललितपुर में कथा चल रही है, सतुआ बापा के बाल कांड पर आपने सब कथा आरंभ की थी, ललितपुर में कैसा लग रहा है कथा करते हुए और सतुआ बाबा के साथ आपके कहने आपके आग्रह में सतुआ बाबा यहाँ पे कथा हो रही है? इतने विशाल पाए पर हिंदी भाषी पहली कथा, और मैं रोज कहता हूँ कि जो इस जनपद में मैंने शिस्त देखी, मर्यादा देखी, विवेक देखा, सूर देखा, लय देखा, ताल देखा, वो तो बहुत कम। इतनी भीड़ के बीच में शांति रखना ये जनपद का अपना गौरव है। बापू जी एक जिज्ञासा है कि आप जो ये धार्मिक आंदोलन देश और विदेश में चला रहे थे, इसमें कोकलाबेन ट्रस्ट और धीरू भाई अम्बानी जी के ग्रुप और तमाम जो है सभी की सहभागिता हम समझते हैं कि इसमें आपके लिए है, तो इस सहयोग के लिए आप क्या करेंगे? देखो देखो मैं सबसे डिस्टेंस की हूँ, मैं मेरे साथ मेरी व्यासपीठ के साथ मैं सब के दुनिया पूरी दुनिया से एक प्रमाणिक डिस्टेंस लिए हूँ, और ये मेरा आंदोलन नहीं है, मेरी राम कथा आंदोलन नहीं है, आनंदोलन। जय हो, जय हो, जय उत्तम, जय उत्तम। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।